हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आलू पनीर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम पनीर को कट करेंगे। यहाँ हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, उसे हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। अब यहाँ पनीर को हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी लेमन, हाफ लेमन आप ले सकते हैं, और फिर हाफ टेबल स्पून हम रेड चिली पाउडर लेंगे और हाफ टेबल स्पून हम टर्मरिक पाउडर लेंगे। और इसे हम अपने हाथों से ही मिलाएंगे। अब हम 3 से 4 पोटैटो लेंगे और इसे भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में पोटैटो को भी कट कर दिया है। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है अनियन, कैप्सिकम, शिमला मिर्च और गार्लिक और जिंजर। यहाँ पे है टमाटर, आप 1 से 2 टमाटर यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने अनियन को चॉप कर लिए हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे। अब हम लोग, आप देख सकते हैं कि मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिया है और टोमेटो का भी पेस्ट बनाना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है तेल 2 टेबल स्पून, आप चाहें तो 2 या 3 ले सकते हैं, आप अपने मर्जी से। यहाँ पर हम डाल रहे हैं पंचफोरन। पंचफोरन 5 मसालों से मिलकर बनता है, सरसों, राई, जीरा, मेथी और सौंफ। अब हम डाल रहे हैं गरम मसाले, जिसमें हम डालेंगे दालचीनी और लौंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चॉप्ड ऑनियन डाल रही हूँ अपने तेल में और इसे हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, मैंने एक ही लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती नहीं हूँ। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच। मैंने पानी में मिला के उसे मिक्स किया था, इसलिए इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही होगी। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं डाल रही हूँ लगभग 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप चाहें तो 1 से 1.5 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। और हमारे पास है आमचूर का पाउडर, और ये चाहे तो अगर आपके घर में ना हो तो कोई बात नहीं, आप ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। इन मसालों में हमने पानी डाला है ताकि मसाला जले नहीं। मसाले को हम अच्छे से चलाएंगे। मसाले भुन जाने के बाद हम टमाटर का पेस्ट इसमें डालेंगे। और अब हम यहाँ पर सॉल्ट डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 1 चम्मच सॉल्ट डाली हूँ। अब मसाला पूरी तरह से भुन जाने के बाद हमने डाला है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, मैंने 1 शिमला मिर्च यूज़ किया है। शिमला मिर्च चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने शिमला मिर्च ऐड किया है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे आलू, और अब आलू को गलने के लिए हम रखेंगे। इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग कढ़ाई में, सॉरी पैन में।
आप अपने गैस को मीडियम फ्लेम पर रख सकते हो ताकि आलू अच्छे से गले। ओके, आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा आलू को चला दे रही हूँ ताकि सारे मसालों में अच्छे से वो मिक्स हो जाए। और अब हम लोग अपना पैन ढक देंगे। आलू हमारा गल चुका है, 15 से 20 मिनट लगते हैं आलू को गलने में। आप चाहो तो कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कढ़ाई में ज़्यादा सही होता है। मैंने यहाँ पे मैरिनेटेड पनीर को ऐड कर लिया है और इसे थोड़ा देर हम चलाएंगे। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती ऐड की है, धनिया पत्ती से फ्लेवर अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कि पनीर थोड़ा सा गलने लगा है। हमारा आलू पनीर रेडी हो गया है। आप चाहो तो इसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।